नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। यहां पे आपको बॉलीवुड की, पॉलिटिक्स की और सुशांत सिंह राजपूत हो या जिया खान हो या श्रीदेवी, इन सब की आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। लेकिन जब कोई दुखद खबर आती है तो मुझे भी बुरा लगता है कि आप किस तरह से बताओ, लेकिन फिर मैं लास्टली ये सोचता हूँ चलो न्यूज़ तो आप सबको हर जगह से मिल ही जाती होगी, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि चलो अगर मेरी वजह से आप जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए अगर प्रेयर करते हो या कुछ भी थोड़ा सा 2 मिनट भी अपनी उसकी आत्मशांति के लिए 2 मिनट भी देते हो, तो मुझे लगता है कि मैं अपना 1-2 घंटे देके अगर लाखों हज़ारों लोग, हज़ारों कम से कम तो देखते ही होंगे, तो उसको अगर उसकी आत्मशांति के लिए प्रेयर करें तो और क्या चाहिए। ऐसे ही जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की फिल्में धड़ाधड़ गिर रही है, अक्षय कुमार हो या बड़े बड़े सलमान खान, शाहरुख, आमिर खान जैसे लोगों की फिल्में धड़ाधड़ एक तरह से गिर रही हो, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के लेजेंड कुछ एक्टर होते हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो, पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों का तो नहीं, लेकिन जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी कलाकार जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो ऑफकोर्स एक दूसरे कलाकार को बुरा लगता है। जितेंद्र एक कलाकार है जिनका एक 65 एक्टर है, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, आप जानते भी होंगे शायद यहाँ मैं फोटो दिखा पाऊँ, और उनका एक तरह से लास्ट अपीयरेंस अगर मैं बताऊँ, उनका एक लास्ट अपीयरेंस था, फेमस एक वेब सीरीज थी ट्रिपलिंग, एक वेब सीरीज थी वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी, वैसे उनका बहुत बड़ा नाम हुआ था, वैसे तो काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन बहुत ज़बरदस्त नाम हुआ था मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज आई थी उनमें भी जितेंद्र जी ने काम किया था। अब उसके बाद पूरा नाम उनका जितेंद्र शास्त्री है, 65 उनकी एज थी, और लास्ट शनिवार को उनका देहांत हुआ, कोई अलग केस नहीं है, नॉर्मली उनका देहांत हुआ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से। और ऐसे ही एक संजय मिश्रा उनके बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे, संजय मिश्रा ने उनके बारे में कुछ ट्वीट लिखा था, हालांकि संजय मिश्रा को मैं जानता हूँ, जितेंद्र शास्त्री को कभी मैं मिला नहीं उन सब उनको, लेकिन संजय मिश्रा ने एक ट्वीट लिखा था अपने इसमें ट्विटर हैंडल पे, आप देख सकते हैं, यहाँ शायद उल्टा दिखाई देगा, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको, जीतू भाई आप होते तो आप कुछ ऐसा बोलते, अगर वो होते तो इसका मिश्रा, समटाइम्स क्या होता है ना कि मोबाइल में नाम रह जाता है और इंसान नेटवर्क से आउट हो जाता है। You are out of the world but will always remain in network of my mind and heart. Om Shanti. संजय मिश्रा वैसे बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ गाना भी एक गाना कोरियोग्राफ भी किया था संजय मिश्रा के लिए मैंने, हालांकि वो फिल्म पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। तो जितेंद्र शास्त्री के बारे में, उनके क्लोज फ्रेंड है, तो ऑफकोर्स कलाकार सुपरस्टार ना हो लेकिन कलाकार कलाकार ही होता है, और कलाकार जिस तरह से काम करता है और उनका डेडिकेशन, फिल्में तो हमने देखी, वेब सीरीज भी देखी, छोटे मोटे कलाकार कहीं पे इम्पॉर्टेंट रोल्स भी उन्होंने किए, और ऐसे कलाकार के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रिब्यूट ज़रूर दूँ, हालांकि बहुत लोगों के साथ काम किया है उन्होंने, लेकिन कितने लोग बोले और कितने लोग नहीं बोले ये आप देख सकते हैं। चलिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो बनाने के पीछे, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कलाकारों को जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बनते हैं लेकिन उनके अलावा फिल्में भी नहीं बन सकती, वेब सीरीज भी नहीं बन सकती, क्योंकि यही सपोर्टिंग कलाकार, यही जो मेन कलाकार होते हैं वो उस चेहरे को निखारते हैं जो मेन चेहरा स्टार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी कलाकार, कोई भी वैसे कलाकार, एक बांसुरी बजाने वाला हो या कोई कलाकार हो, प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करें। तो जितेंद्र शास्त्री के लिए प्लीज़ प्रे करिए, यही मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने के लिए।